150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने, रामलीला बनाने। जब करीना कपूर ने कहा कि वो करेंगी रामलीला, तब भी चुप रहे रणवीर सिंह। No, but sometimes things don't work out, and I want to work with Sanjay also. It's unfortunate that whenever Sanjay and me have tried to work together, and I want to work with Sanjay also. It's unfortunate that whenever Sanjay and me have tried to work together. जब रामलीला करने से मना कर दिया, तब भी रणवीर ने नहीं तोड़ी चुप्पी। लेकिन अब जब संजय लीला भंसाली ने रणवीर के ऑपोजिट फाइनली दीपिका को कर दिया है फिक्स, तो रणवीर ने दे दिया है करीना को करारा जवाब। रिपोर्टेडली एक डेली को दिए इंटरव्यू में रणवीर ने अब जब अपनी चुप्पी तोड़ी है तो कुछ ऐसा कह दिया है जो बेबो को शायद बर्दाश्त ना हो। रणवीर का कहना है, बेबो एंड आई माइट हैव लुक्ड ऑड एज अ कपल। इससे पहले कि रणवीर की बात पूरी हो, क्यों ना रणवीर के इस कोट में कपल से पहले लगे ऑड का मीनिंग समझ लिया जाए। तो आपको बता दें कि करीना के रामलीला छोड़ने की भले जो भी वजह रही हो, पर मीडिया में एक खबर बड़े जोर शोर से आई थी कि करीना रणवीर के ऑपोजिट फिल्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फिल्म में उन्हें रणवीर के साथ कई इंटीमेट सीन्स भी देने पड़ते, जिसे लेकर सैफ और खुद करीना कंफर्टेबल नहीं थे। I'm just going to tell him to concentrate on his work. No, I know. I'm just going to be like, concentrate on your work because you have tough competition with me now. he can focus on his work with you around. Well, I know, and that too, it's a love story. It's a very intense love story. So I've had it. So I've told Sanjay, you better keep Ranveer out of my way. I don't want him jumping around the set and dancing around me. Because last time when he met me, he was dancing around me. I'll be entertained on the set. लगता है फिल्म ना करने के पीछे करीना की तरफ से आई हुई सभी वजहों में यही एक रीजन रणवीर को पसंद नहीं आया था कि करीना ने सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से छोड़ दी रामलीला, और इसीलिए उन्हें दीपिका के रूप में अब जब अपनी हीरोइन मिल गई है तो रणवीर ने करीना पर किया है पलटवार। बेबो एंड आई माइट हैव लुक्ड ऑड एज अ कपल, दीपिका इज यंगर एंड अ यंगर कपल ऑलवेज मेक्स अ बेटर लव स्टोरी। वेल, अब दीपिका को यंगर बताकर क्या रणवीर ने करीना को ओल्ड हीरोइंस की कैटेगरी में डाल दिया है? इसका जवाब तो खुद रणवीर ही दे सकते हैं, पर इतना जरूर है कि रणवीर ही नहीं, आजकल उनके दूसरे चाहने वाले भी दूसरी करीना ढूंढ रहे हैं, और इसकी लेटेस्ट मिसाल बने हैं करण जौहर, जिनके लिए आलिया भट्ट नेक्स्ट करीना बन सकती हैं। No, I love Alia, but for me, Kareena will always be special. अभी दो एक बेटी है दूसरी बहन, अभी दो एक बेटी है दूसरी बहन। लेकिन रणवीर ने करण की तरह डिप्लोमेट होने की बजाय सीधे सीधे करीना पर हल्ला बोलने में देर नहीं की। पहले तो ये बता दिया कि बेबो की उनके साथ पेयरिंग ऑड साबित हो सकती थी। उस पर दीपिका को यंगर होने की बात से उन्होंने बेबो की उस कमी को भी इंडिकेट कर दिया है जो यंग स्टार्स के साथ पेयर होने पर करीना में नजर आ सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि टॉप थ्री खान्स के साथ करीना यंगर ही नजर आती हैं, और SRK आमिर और सलमान के ऑपोजिट पेयर होने पर बेबो की केमिस्ट्री अमेजिंग साबित होती है। फिर एक मैं और एक तू में करीना इमरान के ऑपोजिट सक्सेसफुली पेयर होकर एज के इस बार को भी पहले ही तोड़ चुकी हैं। ऐसे में रणवीर का करीना को दीपिका से ओल्ड बताना कहीं खट्टे अंगूर वाली कहावत का ही तो हिस्सा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। Hi, this is Supreet. Follow the Zoom TV channel on Daily Motion and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.dailymotion.com/zoomtv.